लीवर द डार्क रेड वेज शेप्ड लार्ज ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर राइट पार्ट ऑफ द ऑबडोम इज कॉल्ड लीवर ये अपर राइट पार्ट में देखो ये राइट पोर्शन है ना राइट आर्म है तो राइट साइड पे लीवर जो है वो लोकेटेड होता है ऊपर की साइड पे इट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी अगर आपको कोई पूछ ले कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है इंटरनल तो आपने लीवर बोलना है इट इज मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स एंड वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस, बिलियंस ऑफ सेल्स का बनाते हैं और मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करता है स्टोर हाउस well मैंने आपको पहले बोला था इसको हम केमिकल फैक्ट्री भी बोल देते हैं और स्टोर हाउस भी बोल देते हैं इट प्रोड्यूस फ्लूड कोल्ड बाइल इसमें येलो कलर का फ्लूड बाइल बनता है जो मैंने पहले आपको बताया विच हेल्प इन रिएशन ऑफ फैटी फूड जो कि फैटी फूड की डिएशन में मदद करता है अगर बाइल नहीं बनेगा तो जो फैट है वो डिजेस्ट नहीं होगी हमें डकार्स वगैरह आने लग जाएंगे बेल्चिंग, बर्पिंग, ओके बेल्च मतलब डकार आने लग जाएंगे इट आल्सो स्टोर्स वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाइटामस एंड मिनरल्स तो इसमें वाइटामस और मिनरल्स भी स्टोर होते हैं लीवर के बीच में विच कैन बी यूज वेन नीड अब वाइटामिन और मिनरल्स जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम लीवर से ले लेते हैं और वो हमारी बॉडी के मतलब डेवलपमेंट में मदद करते हैं लीवर आल्सो रिलीजेज हीट विच हेल्प्स टू मेंटेन कॉन्सनेट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है तो लीवर में मतलब हीट भी प्रोड्यूस होती है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको हम 98.4 डिग्री फारेनहाइट भी बोल देते हैं हमारी बॉडी का इतना टेम्परेचर होता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा मान लो हीट नहीं रिलीज़ होती टेम्परेचर मान लो हीट ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं हमें जी टेम्परेचर हो गया बुखार हो गया तो इस तरह लीवर जो है वो हीट रिलीज़ करके राइट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करके हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हो गए एक तो इसमें से बाइल निकल रहा है जो कि फ़ैट को फैटी फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है ठीक है और ये मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है हमारी बॉडी का तो इन बातों को आपने याद रखा